बीजा नहीं है, विद्युत बीजा का समान है। जैसे बीजा का मोजरेला चीज है, पनीर है, कैप्सिकम है, स्वीट कॉर्न है। वाओ काव्या, अब तो मेरे को मोल लग गई। बनाओ बीजा का खाओ। मामू ने बीजे का सरप्राइज दे दिया, बनाओ और खाओ। हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। हम शर्मा जी ब्लॉग से आज हम पिज्जा बनाने जा रहे हैं। देखिए पिज्जा के जो भी सामान डालता है वो देखो, हम कैप्सिकम वगैरह और प्याज अनियन वगैरह टमाटो सब काट रहे हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम पिज्जा बना रहे हैं। कल कावे बोल रही थी पिज्जा खाना है मामू, पिज्जा खाना है। मैं आज सामान लेकर आया पिज्जे का और उनको सरप्राइज दिया सबको पिज्जा का। तो हमें भी अचानक से ये हम शौक हो गए कि मेरा भाई लेके आया इसका जो भी डलता है सामान, तो कह रहे कि बनाओ पिज्जा बनाओ। तो फिर मिलते हैं। हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि काव्या का मामा पिज़्ज़ा बेस सॉस वगैरह सब चीज़ें लेके आया था, सरप्राइज दिया था उसने काव्या को। अब हम पिज़्ज़ा लगाने जा रहे हैं, उसकी तैयारी हमने कर ली है। लगभग 7:30-8 बजे का टाइम है और ये देखिए हमारा सेटअप। हेलो गाइस, ये देखिए हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक तंदूर है जिसे हम पिज्जा आज बनाएंगे। और ये देखिए हमने चीज, टमाटर, अनियन और ये चीजें सभी हमने, ये इसमें क्या पड़ा हुआ है, स्वीट कॉर्न पड़े हुए हैं। और ये देखिए अंजू, इसको बनाने के लिए मोजरेला चीज की रैपर खोल रही है। और एक तरफ ये बेसिस है बेस, जो कि पिज्जा बेस, उसके ऊपर अब हम चॉपिंग करेंगे। और देख लीजिए कैसे हम इसका प्रोसेस कर रहे हैं खाने का। आज इंजॉय कर रहे हैं संडे, पिछली बार भी हमने संडे इंजॉय किया था आलू के परोंठे और दही के साथ। और आज हमने इसके मामा ने सरप्राइज दिया जिसकी वजह से आज हम पिज्जा बना रहे हैं। और आपको मिलते हैं कुछ देर के बाद। अब देखिए गाइस, ये पिज्जा के सारे टॉपिंग मैंने कर दिए, ये लास्ट में सीजनिंग कर रही हूँ। और इसके बनने के बाद भी मैं एक बार सबके ऊपर सीजनिंग करूंगी, जिसमें ब्लैक और ये ऑरेगानो। गाइस ये पिज्जा हमारा पूरा लगने के लिए तैयार हो गया है तंदूर में, इलेक्ट्रॉनिक तंदूर में। ये देख लीजिए, ये हमने 4 बेस तैयार किए हैं। और हमारी अचानक लाइट चली गई और जिसकी वजह से हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा अब। और ये देखिए कपिल आ गया, देखना चाहता है। हेलो, कैसे हो। पिज्जा रेडी है, पिज्जा के बेस रेडी है, सब कुछ रेडी है, पर लाइट नहीं है। इन्होंने बेक करने के लिए इन्होंने भी अपनी बात रखी है कि लाइट चली गई अचानक और हमारे बेस तैयार हैं, आपको मैंने दिखाई दिए हैं और बहुत ही लाजवाब बेस तैयार हुए हैं। तो गाइस फाइनली अब लाइट आ गई है, हम बहुत वेट कर रहे थे लाइट की, तो फाइनली हमारा पिज्जा बेक हो रहा है, आप देख सकते हो। हेलो गाइस, फाइनली लाइट आ चुकी है और इसके मामू काव्या के ये पिज्जा बेस तंदूरी उसमें लगा रहे हैं, लगा दिया अंदर और ये तैयार हो रहा है। कुछ 5-7 मिनट बाद ये तैयार हो जाएगा और मिलते हैं आपको। हेलो गाइस, फाइनली हमारा पिज्जा तैयार हो गया है। और ये देखिए हमने इसको रखा हुआ प्लेट में और ये देखो अंजू बाइट तोड़ रही है। वाह, क्या डिलीशियस पिज्जा बना है। और ये काव्या के मुंह में पानी आ रहा है। बड़ों से लेकर छोटों तक पिज्जा सबका फेवरेट रहता है। और ये इसके मामू हैं जिन्होंने आज पिज्जा पार्टी करवाई है।
ये देख लीजिए, ये सभी को डाल के दे रही है अंजू। उसके साथ कोक ना हो तो पिज्जा खाने का मजा ही अधूरा होता है। अब कुछ अंजू आपको बताती है। कैसे बनी? ये देखिए गाइस, बनाया, फाइनली बन गया। बहुत लाइट मशक्कत के बाद बना हमारा पिज्जा। और ये बाइट ले रही है, अब देखते हैं ये कैसा बना है, आपको बताते हैं। गाइस आप भी हमारे साथ सभी होते तो और मजा आता। यम्मी बना हुआ है। आप अपनी एडवाइस दीजिए कैसा बना काव्या? बहुत टेस्टी बना पिज्जा, और इसमें वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छी लग रही है। कैसे बना मामू? बहुत टेस्टी है, यम्मी है। अच्छा, वंडरफुल। अच्छा देख लीजिए, सबको पिज्जा बहुत पसंद आया है और ये इंजॉय कर रहे हैं गाइस। और मैं दूसरा पिज्जा लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तंदूर की तरफ जा रहा हूँ, कहीं पिज्जा जल ना जाए। अभी मैं देखता हूँ ये बन गया कि नहीं बन गया। अभी ये बन रहा है, 5 से 7 मिनट लेगा। और ये देखिए गाइस, देखिए कैसे लगे हुए हैं सभी खाने के लिए, एंजॉय कर रहे हैं। और पिज्जा आज के टाइम में सभी का मन पसंद। ये ऐसी चीज है कि ना बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी इसके शौकीन है। देखा इन्होंने कमेंट किया है। और ये देखो मेरी बेटी काव्या जो आपकी फेवरेट है, कैसे एंजॉय कर रही है पिज्जा। और ये मामू इनके, ये भी एंजॉय कर रहे हैं पिज्जा का। और मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। गाइस ये पिज्जा बहुत डिलीशियस बना है और बहुत यमी, तो हमारे पास के लिए शब्द नहीं है तारीफ करने के लिए। तो आप हमारे ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताना, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन दबा देना। तो गाइस ये पिज्जा इतना टेस्टी था, तो मैंने जब ये देखा ही था, मेरे मुंह में जैसे लग रहा था मैं खा ही रही हूँ पिज्जा। मुझे लाइक करना, तो मैं आप हमारी वीडियोस को आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताना ये आपको वीडियो कैसी लगी, और छोटी घंटी को भी बजा देना। तब तक के लिए बाय बाय। गाइस अब आए, फाइनली हम खा चुके हैं। और आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, शर्मा जी ब्लॉग आप बताइएगा। आप अपना प्यार ऐसे देते रहना। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय, सी यू।